हरवंत सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस बार मुंबई से और हम वही सवाल पूछेंगे जो आप सब जानना चाहते हैं क्या इंडिया यहाँ पर तीन शून्य कर सकता है भाई जी टू नाइन्टी फोर वैसे तो मतलब ठीक ठाक टोटल है लेकिन इन दिनों जिस तरीके का हम क्रिकेट देखते हैं इंदौर का विकेट ने देखा इंडिया फेवरेट्स आ, बिल्कुल ठीक ठाक टोल टोटल तो है उसमें कोई शक नहीं है बट मुझे लगता है कि जो मॉडर्न डेज क्रिकेट है उसमें कहीं ना कहीं इंडिया अपने आप को ज़रूर बैक कर रही होगी कि ये टोटल वो चेज़ कर सकते हैं क्योंकि बहुत लंबे लंबे जो रन हैं वो चेज़ हुए हैं पिछले कुछ समय के अगर हमने क्रिकेट देखे हैं अगर उसमें देखा जाए तो तीन सौ साढ़े तीन सौ उसके ऊपर के भी रन जो है वो चेज़ हुए हैं और विकेट बहुत अच्छा है ग्राउंड बहुत छोटा है इंदौर में हाल फिलहाल हम मैच खेले थे आई का तो वहाँ दो के ऊपर रन बनाए थे बीस ओवर में किंग्स इलेवन तो सिक्सटी की किंग्स इलेवन ने दो सौ बीस रन बनाए थे और हमने वो कुछ साढ़े सोलह ओवर में बना दिए थे रन तो बहुत नज़दीक है बाउंड्री और बैट्समैन जब अंदर खड़ा होता है तो उसको लगता है कि मैं हर बॉल को जो जो है ग्राउंड के बाहर मार सकता हूँ बट इन दी एंड अगर थोड़ी भी अ, कोई ऐसी जल्दी नहीं है थोड़ी भी अगर समझदारी से बैटिंग करता है इंडिया तो मुझे लगता है जिस तरीके के हमारी बैटिंग लाइनअप है वो इस टोटल को चेज़ करने में कोई ऐसी उनको मुश्किल नहीं आनी चाहिए और वहीं पे ऑस्ट्रेलिया दूसरे तरफ से अगर इसको देख रहा होगा कि हमने रन बना लिए हैं यहाँ पे और अगर पहले दस ओवर में दोनों तरफ से नया बॉल है उसमें अगर तीन विकेट अगर मिल जाते हैं तो कहीं ना कहीं फिर मैच जो है वो फ़ाइट ज़रूर होगी उस मैच में फिर वो ऑस्ट्रेलिया अपने आप गेम में वापस लाने का एक वही उनके पास तरीका है कि पहले दस ओवर में अगर तीन विकेट लेते हैं तो फिर कहीं ऑस्ट्रेलिया का चांस है नहीं तो मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसी दिक्कत आने वाली है हमारे खिलाड़ियों को रन चेज़ करने के लिए फिंच की वापसी से फ़ायदा हुआ ऑस्ट्रेलिया को फिंच या वार्नर में से किसी एक खिलाड़ी को क्लिक करना ज़रूरी था वो और स्मिथ ये दो तीन शायद बल्लेबाज है जिन पर उन्हें निर्भर करना होगा लेकिन फिर एक बार फिक्र की बात यह होगी ऑस्ट्रेलियन कैंप में कि जब चहल और कुलदीप बीच में विकेट लिए उन्होंने तीन जो तीन विकेट गए शायद वहाँ पर पचास रन उनके कम हो गए और ये ये काफ़ी मायने होंगे इसकी देखिए इसमें कोई शक नहीं है कि फिंच और वॉर्नर दोनों क्लास प्लेयर हैं बहुत ही ज़बरदस्त जोड़ी है अगर वर्ल्ड क्रिकेट में अगर ओपनर्स की बात करें तो ये दोनों ही बहुत डेडली ओपनर्स हैं और ये जोड़ी में भी हो सकता है नंबर वन नंबर टू की पोजीशन के लिए लड़ रहे होंगे कि कौन नंबर वन और नंबर टू है और कहीं ना कहीं शुरुआत बहुत अच्छी थी फिर स्टीव स्मिथ ने भी आके बहुत अच्छी बैटिंग की बट जैसा आपने कहा कुलदीप और चहल ने लगातार जो है वो बॉलिंग इस टूर्नामेंट में अच्छी करते आ रहे हैं और आज भी हालांकि कुलदीप को रन पड़ रहे थे बट उन्होंने वो जो कहते हैं कि एज स्पिनर या एक अच्छे बॉलर की निशानी की या हिम्मत नहीं हारी और लगातार वो विकेट की खोज में थे और उसने जब वो दो विकेट दिलाए फिंच को आउट किया फिंच के बाद जैसे वो स्टीव स्मिथ आउट होते हैं तो तब आप देखते हो कि सडनली जो स्कोर बोर्ड है वो किसी और तरीके से आप देखने लगते हो बारह ओवर में लास्ट कुछ ज़्यादा खास रन नहीं बना पाए ऑस्ट्रेलिया क्योंकि दोनों सेट बैट्समैन को आउट किया वहीं चाहल ने मै उसको मैक्सवेल को एक बार फिर उसी तरीके से आउट किया कि उसको पता ही नहीं चल रहा है कि मिडल में जा करना क्या है तो कहीं ना कहीं जो ऊपर इनका टॉप हैवी है वो तो परफॉर्म कर रहा है मिडिल मिडल ओवर्स में जो मिडल ऑर्डर की बारी जब आती है ऑस्ट्रेलिया की तो वो उनके पास ऐसा कोई प्लेयर नहीं है जो तेज़ गति से रन भी बना सके और विकेट भी ना दे तो कहीं ना कहीं दोनों हमारे जो यंग स्पिनर हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं इट्स ग्रेट टू सी यू नो बोथ ऑफ देम कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर इन बोलिंग इन पेयर एंड गेटिंग दोज इम्पॉर्टेंट विकेट्स फॉर टीम इंडिया जो विकेट जब लेने के लिए देखते हो वही एक तरीका होता है आप रनों के ऊपर जो अंकुश लगा सको और वही एग्जैक्टली exactly हो रहा है कि ये जब विकेट लेते हैं तो उसके बाद ऑस्ट्रेलिया उतने रन नहीं बना पा रहा है जितने उनको बनाने चाहिए थे आज भी अगर ये विकेट नहीं लेते तो मुझे लगता था कि तीन के करीब जो है वो रन बन सकते थे बट वेरी वेल डन टू बोथ दीज यंग गाइज दे आर डूइंग रेडी वेन एंड आई दू टू डू इवन बेटर सो इन नेक्स्ट फ्यू गेम्स वेफ्टन दीरीज हाउ वेल आर देर डूइंग बिकॉज जो इंडिया के अगर हम स्पिन अटैक जो चैंपियंस ट्राफी में हमें देखी और इस अटैक में फ़र्क है उनका इम्पैक्ट अगर नज़र आ रहा है और एक गट्स भी चाहिए एज ए टीम मैनेजमेंट दो स्पिनर्स को एक साथ अलग अलग, अलग एंड्स से खिलाने में और यहाँ पर तो ये कारगर साबित हो रहा है ये स्ट्रैटेजी देखिए इंटेंट uh, जो है वो विकेट लेने का इंटेंट है और पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज है पॉजिटिव बॉलिंग uh, है और uh, Uh, सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है जब आप नॉट जस्ट एज स्पिनर बट एज एज ए बॉलर जब आप टीम में खेलते हो आपको इसलिए टीम में रखा जाता है कि आप uh, विकेट लें विकेट लेने के लिए देखें ऑफकोर्स अगर आप उस इंटेंट से बॉलिंग करते हो तो आपका जो बॉल uh, uh, में भी उसी तरीके की फिर वो फिरकी चलती है कि अगर आप किस जो सोच है वही आपके उसमें करामात में बदलती है और कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि चैम्पियंस ट्रॉफी में हम आउट करने नहीं देख रहे थे और हम जस्ट अपने ओवर और कोटा पूरा करने को देख रहे हैं और जिस दिन आप वैसा सोचने लगते हैं कि मैं बच जाऊँ या मेरा अपना कोटा पूरा हो जाए मैं लेफ्टी को बॉलिंग ना करूं या राइटी को बॉलिंग करूं तो उसमें फिर बहुत लिमिटेड ऑप्शंस हो जाती हैं टीम के लिए भी और फिर मुश्किल जो है वो टीम को उसका सामना करना पड़ता है और वही हुआ था चैंपियंस ट्रॉफी में भी और उससे पहले भी इंडिया में जब हम क्रिकेट खेले हैं तो लगातार दूसरी टीमें आके सवा तीन सौ साढ़े तीन सौ रन बना रही थी उसका कारण भी ये था कि हमने मिडिल ओवर में कहीं ना कहीं पिछले दो तीन साल में उतना अच्छा नहीं किया जितना हम कर सकते थे और वो विकेट नहीं मिले इसी का कारण होता है जब आप मिडल ओवर में आप अच्छा करोगे स्पिनर्स विकेट लेंगे या कोई भी किसी तरीके के बॉलर हैं विकेट लेंगे तो रन नहीं बनते हैं बट हालांकि हमने देखा है कि पिछले दो तीन साल से बहुत रन बने हैं बहुत ज़्यादा रन बने हैं और उसका कारण यही है कि हमने जो बीस ओवर के बाद पैंतालीस ओवर तक कोई विकेट नहीं लिए हैं और उसका कारण होता है कि पार्टनरशिप लगती जाती है रन बनते जाते हैं यह सिर्फ चैम्पियंस ट्रॉफ़ी नहीं था क्योंकि चैम्पियंस ट्रॉफी हम डिफेंड कर रहे थे और हमें ऑब्वियसली uh, मौका ही नहीं मिला हमें सडनली ऐसा पता लगा कि यार हम विकेट नहीं ले रहे हैं तब ये चेंजेस हुए हैं तो क्योंकि पहले हम ये वो रन चेज़ कर पा रहे थे इंडिया में तो हमने उस चीज़ पे के ऊपर गौर ही नहीं किया तो अब गौर किया है तो ऐसा बढ़िया गौर किया है कि दोनों स्पिनर खिलाए हैं दोनों विकेट टेकिंग बॉलर हैं जो ऑब्वियसली निडर हैं, हैं बॉल को फ्लाइट करते हैं ये बहुत छोटा ग्राउंड है कुलदीप ने मैंने देखा है कि दोनों जो बैट्समैन थे उनको ललचाया है कि बड़ा हिट मारो और बड़ा हिट मारते हुए उसने गलती कराई है वेरी वेल डन टू बोथ दीज यंग एंड दे आर डूइंग रियली रियली वेल वैसे उसके बाद जो वेस्ट इंडीज़ दौरा था उसमें हम सोते रहे अब ये बदलाव आया है कुछ सवाल ले लेते हैं अरवजन अजय हमें एक सवाल पूछ रहे हैं कुलदीप से जुड़ा ही सवाल है क्या कुलदीप में एक्स फैक्टर हैं अक्रॉस द फॉर्मेट्स खेल सकते हैं ये अजय पूछ रहे हैं uh, जी देखिए कुलदीप में डेफिनेटली एक्स फैक्टर जो है वो अभी तक तो देखने में आया है क्योंकि वो बिल्कुल अलग बॉलर हैं बाक़ी उससे रिश्पिनर है और स्पिनर को हमेशा ये ज़रूर एक मैं मान के चलता हूँ फ़ायदा होता है कि मॉडर्न डेज क्रिकेट में कि आप बॉल को अंदर भी लाते और बाहर भी लेके जाते हो उसी एक्शन में और जो कि और गेंद को हवा में स्लो करते हैं जो कि बहुत से आज के जो यंग स्पिनर हैं वो गेंद को हवा में स्लो नहीं करते इस डर से कि हिट लग जाएगी अगर आपको हिट लगने से डर लग रहा है तो फिर आपको ऑब्वियसली uh, Uh, विकेट <laughs> हाँ बिल्कुल <laughs> क्योंकि कहीं ना कहीं आपको वो बड़ा दिल रखना पड़ता है स्पिनर को और अगर हिट लगे भी तो लगे क्योंकि बॉलर को ही हिट लगनी है uh, मैं तो यही कहूँगा कि uh, कुलदीप यादव डेफिनेटली uh, एक ऐसे युवा खिलाड़ी हैं जो धीरे धीरे अपने जितने जितने मैच खेलते जा रहे हैं बेटर होते जा रहे हैं और अभी बहुत टाइम है उनके पास सीखने के लिए करने के लिए एंड आई विश एमॉल द और मैं चाहूँगा कि वो तीनों फॉर्मेट खेले टेस्ट क्रिकेट भी खेलें वनडे भी खेलें और टी ट्वेंटी में भी ऐसे बॉलर जो विकेट लेते हैं बहुत कामयाब है प्रदीप प्रदीप एक सवाल पूछ रहे हैं भजन अजिंक्य रहाणे को लेकर उनका पूछना है कि अजिंक्य क्या कभी वनडे में परमानेंट जगह बना पाएंगे वैसे ही मौका भी बड़ा है उनके लिए इसके बाद शेखर धवन की वापसी होगी स्क्वाड में तो कुछ हद तक दबाव भी होगा हमेशा वो नोटिस पर रहते हैं मौका है यहाँ पर अच्छा विकेट है देखिए अजिंक्य एक बहुत ही बढ़िया प्लेयर हैं बहुत कॉम्पैक्ट करेक्ट प्लेयर हैं और अगर हम पिछले वर्ल्ड कप की बात करें 2015 की तो उसने हर मैच में रन बनाए थे और मिडल ओवर में रन बनाए थे और मिडल ऑर्डर में खेलते हुए रन बनाए थे और जब जब उसने वो एक ऐसा प्लेयर है जब आप उसको कहते हो कि आप ओपनर बन जाओ वो ओपनर बन जाता है जब आप बोलते हो कि मिडल ऑर्डर खेलो वो मिडल ऑर्डर खेलने लगता है वो टीम मैन है टीम के लिए है और क्योंकि वो इतना करेक्ट प्लेयर है मुझे नहीं लगता है कि वो आ, उसके लिए मुश्किल होनी चाहिए अपने आप को एडजस्ट करने के लिए टीम में और मेंटल तो स्विच की जरूरत होती है इस फॉर्मेट में यहाँ ज़रूर एक वो तो डेफिनेटली होता है कहीं आप नया बॉल खेल रहे हो कहीं आप पुराना बॉल खेल रहे हो उतना ज़रूर है बट कहीं ना कहीं जब आप लगातार टीम के साथ जाते हो खेलते हो मैचेस या फिर उस माहौल में रहते हो तो आप मेंटली तैयार रहते हो कि ये जो मेरे ऊपर चैलेंजेस जो आएंगे उसके ऊपर मुझे ये ये काम करना है और अजिंक्य नोइंग हिम ही सम वन हु वर्क रियली हार्ड इन द नेट्स कि उसको पता है कि उसका ये रोल जो है वो अब दिया गया है तो उसके ऊपर वो काफ़ी मेहनत करते हैं तो यू नो शिखर धवन कब आएंगे, कब नहीं आएंगे बट ये रहने के लिए एज ए ओपनर अपने आप के लिए फिर साबित करना कि मैं कितना बढ़िया प्लेयर हूँ ये फिर एक और बढ़िया मौका है और कहीं ना कहीं मुझे नहीं लगता है कि रहने की जो रिप्लेसमेंट है चाहे वो मिडल ऑर्डर में हो या फिर ओपनर हो कहीं भी वो ऐसे खिलाड़ी हैं जहाँ एडजस्ट हो जाते हैं बहुत कम ऐसे खिलाड़ी होते हैं जो ऊपर भी खेल लेते हैं और नीचे भी खेल लेते हैं और रन बनाते हैं तो रहाने उन उन प्लेयरों में से डेफिनेटली एक हैं कि, कितने परसेंट चांस वजह आप देंगे इंडिया को यहाँ जीतने के सिक्सटी फोर्टी सेवेंटी थर्टी थ्री शून्य होगा या नहीं जब हम दोबारा मिलेंगे स्पोर्ट्स सबके दर्शकों को इस मैच के ख़त्म होने पर देखिए मैं प्रोडिक्शन तो नहीं कुछ करना चाहता हूँ बट एक ये ज़रूर कह देता हूँ कि अगर पहले दस ओवर में हम विकेट नहीं खोते हैं तीन से ज़्यादा तो इंडिया बहुत आराम से मैच जीत सकता है और जीतना चाहिए बट अगर ऑस्ट्रेलिया विकेट ले लेता है तो ऑस्ट्रेलिया अपने आप को मैच में बराबरी पे आँखेंगा और देख के स्निफ कि यहाँ से हम वो मैच जीत भी सकते हैं तो कहीं ना कहीं हमें मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि इंडिया यहाँ से ऑब्वियसली कितने परसेंट चांसेस हैं इंडिया के जीतने के लिए बट आई वुड बैक इंडिया टू विन दिस गेम क्योंकि दो रन का स्कोर इस विकेट पे इस ग्राउंड पे मुझे नहीं लगता कोई बड़ा लक्ष्य है बट आई होप एवरीथिंग गोज़ वेल फॉर टीम इंडिया एंड एंड वी विन द सीरीज़ टुडे क्योंकि आज बड़ा स्पेशल दिन है दस साल पहले हमने वर्ल्ड mm. कप जीता था और टी uh, ट्वेंटी का और आज वही दिन है तकरीबन उसी टाइम पे जिस टाइम हमने साउथ अफ्रीका में जीता था uh, उस दिन उसी टाइम पे ये सीरीज़ का जो है ये मैच ख़त्म होगा तो होपफुली रिजल्ट भी सेम होंगे और हम सब सेलिब्रेट करेंगे चलिए हरभजन सिंह कहते हुए कि भारत की बहुत अच्छे चांसेस है यहाँ से जीत तक पहुँचने के और जिस तरीके के क्रिकेट हम खेल रहे हैं तीन शून्य भी हो सकता है और अगर ये हुआ तो ये विराट कोहली की बतौर कप्तान नौवीं लगातार जीत होगी आप स्पोर्ट्स तक देखते रहिए सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल को और हम हरभजन के साथ फिर मिलेंगे मैच खत्म होने पर